करनाल के लघु सचिवालय में मिड डे मील वर्कर यूनियन द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया व जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। मिड डे मील वर्करों ने सरकार से अनुरोध किया कि उनकी मानी गई मांगे जो लागू नहीं की गई हैं उनको तुरंत लागू किया जाए, जिसमें न्यूनतम वेतन 18,000 लागू करना, मिड डे मील वर्कर को पक्का करना, सरकारी वर्दी देना, PF काटना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले उनकी मांगे मान ली जाए, अन्यथा आने वाले चुनाव में मिड डे मील वर्कर यूनियन सरकार का विरोध करेंगे, जिनका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में मिड डे मील यूनियन के पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने जिला सचिवालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सुपुर्द किया। क्या मामला जिसके चलते आज यहाँ जिला सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं? आज मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा का के उस पर ये प्रोग्राम करनाल जिले में हो रहा है, और हरियाणा सरकार ने जो हमारे से चुनाव से पहले जो वादा किया था सभी मिड डे मील वर्करों को पक्का करने की जो बातचीत की थी वो सरकार ने नहीं की है। और अब विधानसभा सत्र चल रहा है, इस टाइम हम ये कह रहे हैं भाई जो सरकार ने हमारी बातचीत टेबल पे बैठ के बातचीत मानी गई थी उसको लागू करवाने के लिए हम दोबारा फिर सरकार से अपील कर रहे हैं, हमारी टेबल पे बैठ के बातचीत करके न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, सभी मिड डे मील वर्करों को पक्का करने की मांग की बातचीत थी, सभी मिड डे मील वर्करों को PF ESI काटने की मांग कर रखी थी हमने, और वर्दी की मांग थी हमारी, ये हमारी मांग सरकार ने अब तक लागू नहीं की है। और आचार संहिता लगने से पहले हम दोबारा फिर सरकार से कहना चाहते हैं हमारी मांग जल्द से जल्द मानी जाए, अन्यथा आने वाले टाइम में जो सरकार जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाएगी उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मिड डे मील वर्कर यूनियन द्वारा जिला सचिवालय में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मानी गई मांगों को लागू नहीं किया गया है और उन्हें जल्द ही लागू किया जाए, यदि उन्हें जल्द ही लागू नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज करना।